तीसरे दिन भी जारी रहा। उन्होंने विपणन आयुक्त के कार्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ किया। लखनऊ में खाद्य आयुक्त कार्यालय का घेराव कर रहे हजारों विपणन निरीक्षकों ने आज तीसरे दिन सुंदरकांड का पाठ कर अपनी समस्याओं के निराकरण की प्रार्थना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सतीश कुमार पांडे ने कहा कि विपणन निरीक्षकों की जायज मांगों को लटकाकर खाद्य आयुक्त द्वारा अनावश्यक रूप से आंदोलन करवाया जा रहा है, जबकि खाद्य आयुक्त उनकी मांगों के प्रति सैद्धांतिक सहमति व्यक्त कर चुके हैं किंतु आदेशों में हिलावाली कर रहे हैं। पांडे ने कहा कि यदि शीघ्र इनकी मांगों का निस्तारण नहीं हुआ तो विपणन कर्मी सड़कों पर उतरकर कार्य बहिष्कार करेंगे। जवाहर बाग इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ के महामंत्री सुशील कुमार बच्चा ने भी आंदोलन को पूर्ण समर्थन देते हुए आयुक्त खाद्य एवं रसद प्रकरण को शीघ्र निस्तारण किए जाने की मांग की है। अशोक कनौजिया, लखनऊ, समाचार 24। जैसा कि जवाहर भवन में आयुक्त कार्यालय खाद्य रसद में लगातार तीसरे दिन से धरना चल रहा है, जिसमें कि आपका भी महासंघ समर्थन में है, क्या कहना इस पर? लगातार तीसरे दिन से अपनी जायज मांगों को लेकर के खाद्य विभाग की विपणन शाखा के निरीक्षक गण, पूरे प्रदेश के हजारों हजार निरीक्षक गण यहाँ तीन दिन से आयुक्त कार्यालय का घेराव किए हुए हैं। आयुक्त खाद्य द्वारा सैद्धांतिक रूप से इनकी बातों पर सहमति व्यक्त करने के बावजूद अभी तक आदेश जारी नहीं किया गया है, जिससे दिन पर दिन इन विपणन कर्मियों का आक्रोश और बढ़ता जा रहा है। मैं एक बार पुनः आयुक्त खाद्य से ये मांग करता हूं कि जिन बातों पर आपकी सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है उन चीज़ों को क्रियान्वित करा करके और इस आंदोलन को बहुत लंबा खींचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस संगठन को और इस आंदोलन को लगातार प्रदेश के तमाम सारे संगठनों का और समर्थन मिलता चला जा रहा है, जिसकी वजह से ये आंदोलन अब सिर्फ फूड विभाग का न होकर के धीरे धीरे पूरे प्रदेश के कर्मचारियों का एक बड़ा आंदोलन बनता जा रहा है और जिसकी संपूर्ण उत्तरदायित्व आयुक्त खाद्य एवं रसद का होगा अगर ये बड़ा आंदोलन बनता है। मैं इस मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये निवेदन करूँगा कि एक ही विभाग की दो शाखाओं में दूसरी शाखा जो आपकी जीरो टॉलरेंस नीट भ्रष्टाचार पर, उसको नियंत्रित करने के लिए अपनी जायज मांगों को लेकर के उसको धरना देना पड़ रहा है, ये बड़े शर्म की बात है। तो तत्काल इसमें हस्तक्षेप करके आयुक्त खाद्य रसद एवं प्रमुख सचिव खाद्य रसद को निर्देशित करें कि इनकी जायज मांगों को तत्काल पूरा करने का काम करें, नहीं तो ये विपणन कर्मी हो सकता है कल सड़क पर उतरने का काम करें और तमाम सारे आंदोलन के तरीके अपनाएं, जिससे लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा और हम महासंघ कभी यह नहीं चाहता है कि कानून व्यवस्था में किसी भी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न हो। हमने सरकार को हमेशा सहयोग किया है। इन विपणन कर्मचारियों ने कोरोना की महामारी के बीच अपनी जान को हथेली पर रख करके जिस प्रकार से आपके प्लांट्स को सुनियोजित तरीके से जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने का काम किया है, और अगर आज ये खाद्य विभाग के कर्मचारियों को, इंस्पेक्टर्स को धरने पर बैठना पड़ रहा है तो निश्चित रूप से ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को सहानुभूतिपूर्वक विचार करके और इनकी मांगों को तत्काल निराकरित कराने का निर्देश देना चाहिए। आखिर वजह क्या चल रही है जो आयुक्त इन बातों का संज्ञान नहीं ले रहा? नहीं, आयुक्त महोदय ने संज्ञान लिया है, ऐसा नहीं है। उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इस पर सहमति व्यक्त की है। मुझे लगता है कि मथुरा